नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों का ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में स्वागत है। जब भी हमारा जी मचलता है या उबकाई आती है तो हम क्या करते हैं? यह एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी न कभी रूबरू होते हैं। आज हम आपको एक दवाई के बारे में बताना चाहेंगे जो हमें इससे छुटकारा दिला सकती है। क्या आपने कभी ओंडानसेट्रोन के बारे में सुना है? शायद आपने इसका नाम सुना है, खासकर अगर आपने किसी भी तरह के मेडिकल कंडीशंस के कारण उल्टी या मतली का सामना किया है। ओंडानसेट्रोन एक एंटी एमेटिक दवा है, जिसका सीधा मतलब है कि इसका इस्तेमाल मतली और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए होता है। यह आपकी मतली और उल्टी के खिलाफ लड़ाई में आपका विश्वासी साथी के रूप में काम करता है। ओंडानसेट्रोन सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट यानी 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग क्लास में आता है, जो उल्टी और मतली को कम करने में मदद करती है। यह कार्बाजोल से बनता है। अब विज्ञान के गहरे सिद्धांतों में न घुसकर समझा जाए कौन सी गुणवत्ताएं हैं जो ओंडानसेट्रोन को मतली और उल्टी के खिलाफ लड़ने में इतनी कारगर बना देती हैं। इस दवा को हम उल्टी और मतली के खिलाफ एक सुपर हीरो की तरह देख सकते हैं। मतलब जब आपको उल्टी या मतली की समस्या हो तो ओंडानसेट्रोन आपके लिए एक निरंतर गार्ड बन जाता है, जो आपकी रक्षा में जुट जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओंडानसेट्रोन ओरल का उपयोग कैसे करें, जो उल्टी और मतली को रोकने में एक असली गेम चेंजर हो सकता है। आपको इसे आम गोलियों की तरह चबाने या निगलने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेने का एक अनूठा तरीका है। इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सुखा लें और गोली को निकालें। गोली को अपनी जुबान पर रखें, जहां वो अपने आप घुल जाएगा और आपके लार के साथ मिलकर पेट तक पहुंच जाएगा। अब चलो ओंडानसेट्रोन का सही तरीके से कब और कैसे उपयोग करने के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप उल्टी रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कुछ खाने के करीब 30 मिनट पहले इसे ले लें। और अगर आप किसी सर्जरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने मरीज को ओंडानसेट्रोन सर्जरी की शुरुआत से 1 घंटे पहले दे दें। आपके लिए सही मात्रा आपकी चिकित्सा स्थिति और थेरेपी के प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। अगर आप अपने छोटे से बच्चे के लिए खुराक बढ़ा रहे हैं तो उनकी आयु और वजन आपके मार्गदर्शक होंगे। अब यहाँ एक गोल्डन रूल है, अगर आप गंभीर लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डोज 24 घंटे में 8 मिलीग्राम है। ध्यान दें, अपने डॉक्टर की सलाह का हमेशा पालन करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। हर दवा की अपनी अपनी साइड इफेक्ट्स होती हैं, लेकिन हर किसी को इन्हें अनुभव नहीं होता। आपको शायद कुछ आम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर दर्द, थोड़ा चकराहट महसूस होना, चक्कर आना, उदासी, थकान या कब्ज। अगर ये दिक्कत बढ़ जाती है या बरकरार रहती है तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वे आपकी मदद करेंगे। हमेशा याद रखें, आपके डॉक्टर ने इस दवा को आपके लिए लिखा है क्योंकि उनका मानना है कि इसका फायदा साइड इफेक्ट्स के खतरे से अधिक है। इस दवा का सेवन करने वाले ज्यादातर लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको और गंभीर समस्याओं जैसे पेट में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन या धुंधला दिखना आदि का शिकायत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। दुर्भाग्यवश कुछ मामलों में इस दवा से सेरोटोनिन स्तर बढ़ सकता है और सेरोटोनिन सिंड्रोम या टॉक्सिसिटी जैसे गंभीर स्थिति का कारण बन सकता है। यह खतरा तब बढ़ जाता है जब मरीज सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले प्रभाव डालने वाली दवाओं का ओंडानसेट्रोन के साथ सेवन कर रहे हैं। इसलिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को आपकी लेने वाली सभी दवाओं के बारे में जरूर बताएं। ओंडानसेट्रोन लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अपनी कोई एलर्जी, मेडिकल इतिहास या किसी अन्य परेशानियों के बारे में जरूर बताएं। हम
चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। ओंडान सेट्रोन का एक संभावित प्रभाव है जो काफी बड़ा हो सकता है। यह दवा आपके दिल के आवाज को बिगाड़ सकता है, जिसे क्यूटी प्रोलोगेशन कहा जाता है, जो दुर्भाग्यवश गंभीर या घातक हृदय समस्याओं का कारण बन सकता है। ओंडान सेट्रोन लेते समय थोड़ा चक्कर या नींद आ सकती है, खासकर जब आप इसे शराब या अन्य मादक के साथ लेते हैं, और अगर आपके पास फेनिलकेटोनूरिया या ऑस्पर्टेन की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें। गर्भावस्था के मामले में ओंडान सेट्रोन का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब यह स्पष्ट रूप से आवश्यक हो। हम बिल्कुल नहीं जानते कि यह दवा स्तनपान के दूध में पहुंचती है या नहीं। आइए अब दवाओं के बीच इंटरेक्शन के बारे में कुछ बात कर ली जाए। आपको अपने उपयोग की सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रेस्क्रिप्शन या नॉन प्रेस्क्रिप्शन दवाएं और जड़ी बूटियां शामिल है, और इसे अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ साझा करना होगा। किसी भी दवाई की मात्रा बढ़ाने या कम करने से या उसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की मंजूरी ले लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लाने में प्रोत्साहित होते हैं। जल्द ही आपके साथ एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखिए।